नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा ब्लॉग 1 है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये साहित्य का एक प्रोग्राम है जो कि दिल्ली में हो रहा था, जो प्रगति मैदान के पास में था। तो आइए चलते हैं। ये इसका गेट नंबर 5 था जहाँ से मैंने एंट्री करी, और यहाँ पे जो भी सितारे आने वाले थे उनका सारा पूरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे था। और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो ये इनका स्टेज 4 था जहाँ पे हिंदी साहित्य के कवि आए हुए थे, और वो अपनी अपनी बात यहाँ पे कह रहे थे। कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक, कभी ये कुछ हिंदी कविता की बातें कर रहे थे। इतनी देर तक कि लंबे अभिसार और मीठी बातों के बाद इतनी देर हो जाए, मैं सोच। इसके बाद मैं यहाँ से चल पड़ा, जो इधर स्टॉल लगी हुई थी। स्टॉल में यहाँ पे लोग अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, जैसे कोई हेयर बढ़ाने का ऑयल था, कुछ बॉक्स थी, कुछ और भी चीज़ें थे। ये अंकल थे, इनके बाल इतने बड़े बड़े थे, दूर से देखने पे बिल्कुल ये लेडीज लग रहे थे। मैंने सोचा ये पता नहीं कौन सी लेडीज यहाँ पे खड़ी हैं आदमी के वेश में। फिर उसके बाद मैं और आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैं देखा कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रकाशन की बुक्स रखे हुए थे, और ये एक टेंट लगा हुआ था। कितना अच्छा डिज़ाइन था इसका। थोड़ा सा और मैं आगे चला, आगे चल के मैंने और देखा, ये इधर फूड स्टॉल इनकी लगी हुई थी। ये ललन टॉप का अड्डा था जो कि स्टेज 5 थी, उसकी तरफ लोग जा रहे थे, कुछ आ भी रहे थे, कुछ बैठ के खाना भी खा रहे थे। यहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं थी, बट एक बात बताना चाहूँगा, एंट्री फ्री थी बट खाना सब कुछ ऐसे कूपन था। ये ललन टॉप का सेल्फी पॉइंट था। ये ललन टॉप का अड्डा है, यहाँ पे एक सिंगर आए हुए थे, उनका नाम तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, बट गाना बहुत अच्छा गा रहे थे। जो भी है, फुल एंजॉयमेंट चल रही थी, पब्लिक मस्ती कर रही थी, सब लोग देखे इतना एंजॉय से सुन रहे हैं इनको। तो आप भी सुनिए, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ। पब्लिक कितने आनंद से बैठ के इनको एंजॉय कर रही है। ये ललन टॉप अड्डा का सेकंड स्टेज यहाँ पे लगा हुआ है। पिछली बार क्या था, इनका स्टेज बहुत छोटा था, बैठने की जगह कम थी, बट ये भी बैठने की जगह काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी पब्लिक इंजॉय कर रही थी, जगह थी सफिशियंट। और ये दूसरा दिन था, सैटरडे था, इतनी तो भीड़ नहीं थी, देखिए आप देख सकते हैं। और कल संडे है, और कल कुछ लोग और भी आने वाले हैं यहाँ पे। और शाम को जैसा सुनने में आया है, यहाँ पे ममता जोशी जी आने वाली हैं, और OTT पे आई थिंक अभी सुनने में आया कि कृतिका कामरा भी पहुँचेंगी, और कॉमेडियन राजपाल यादव वो भी आने वाले हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा, बट मैं OTT की तरफ चलता हूँ। ये कृतिका कामरा जी हैं जो अपनी बातें कह रही हैं। आई थिंक आप लोगों ने अभी वेब सीरीज आई थी KK मैनन जी की, बॉम्बे मेरी जान, तो उसमें हबीबा का रोल इन्होंने किया हुआ है, और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने इस वेब सीरीज में। अब लोग तो देखिए कैसे सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, बट ये काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं और लोगों से बात कर रही हैं, सेल्फियाँ ले रही हैं लोगों के साथ में। अच्छा था इनका, ये देखिए ये भी इंजॉय कर रही हैं, अपने 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 फैंस को एंटरटेन कर रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब राजपाल यादव जी आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जिसमें हम आपको राजपाल यादव जी, ममता जोशी जी, और कल भी कुछ सितारे आने वाले हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ओके, टाटा बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।